अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, आप देख रहे हैं हम आज गुल प्लाज़ा में हैं। गुल प्लाज़ा में हम मुन्ने की शॉपिंग करने आए हैं, क्योंकि मेरी देवरानी को मुन्ना हुआ है, मेरे देवर। और मेरी देवरानी को बहुत बहुत मुबारक हो, उसकी शॉपिंग करने आए। मेरी देवरानी अपनी अम्मी के घर हैं और कल हम उनको लेने जाएंगे उनकी अम्मी के घर। मेरी सास, मेरी नंदे, हम सब मिलकर जाएंगे उनको लेने के लिए। साइज में दिखा दूं। ये साइज है, ये क्या प्राइस? ये क्या प्राइस है? 950 की सेल है पूरा। और कोई खाली टी शर्ट भी मिल जाएंगी ना? 750 की मिलेंगी फुल अच्छी। ये वाला देखें, इसके दो कलर हैं। तो दूसरा कलर देखो, इसका एक कलर और भी है। नहीं अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा कहना है। ये वाला टेरी कपड़े के ऊपर आया, पार्टी वेयर आइटम है। टी शर्ट नहीं है आपके पास? कंप्लीट सूट आया है, इसके भी दो कलर हैं। नहीं यार, ये वाला इसके भी दो कलर हैं। इसके अलावा कुछ और आया है क्या? यही चल रहा है, 6-7 साल के बच्चे। अभी तो यही चल रहा है। तो ये गुल प्लाज़ा का काम हो गया? हो गया भाई, हमने ले लिया। उर्वा का भी भला हो गया। सही है, ये देखें आप कैसी शॉपर है ना। ये हमने उर्वा के लिए लिया है, बस सही हो तो चलो। और ये मुन्ने के लिए लिया है। हाँ, वो फिर सही तरह दिखाएंगे ना, सही तरह दिखा देंगे कल पैक कर देंगे। और अभी गुल प्लाज़ा, अभी हमें कहाँ जाना है? सर ये जामा क्लब, मुझे स्कार्फ लेने। अभी हम गुल प्लाज़ा पर हैं, अभी हम जामा क्लॉथ जा रहे हैं लेने स्टॉल। हमारे मुन्नी यहाँ खड़े। अच्छी है ना ये शॉप है, ये वाली हमने ले ली है। बस आप पैसे दें। लाइट हाउस की मार्केट से ली है हम। बंद होने वाली है मार्केट। ये क्या प्राइस? 200। सही करें ना, इतने महंगे तो नहीं है। काले खराब नहीं होंगे। हाँ, मुझे पता है, मैं लेके रहती हूँ। आप पसंद करें कौन सा? इसमें ये रेड कलर दे, इसमें रेड हो गया। और ये कौन सा कलर है? ये नेवी ब्लू है, व्हाइट है, शैंपियन है, पिंक है, ब्लैक है, रेड है, 6 कलर। ये नेवी ब्लू दे, एक नेवी ब्लू। और
ये कैजुअल इसकी बालियां हैं, ये इसके टॉप के। मैंने तो ये लिए। ये लव वाला ये देखिए, कौन सा सही लग रहा है दोनों में से? हाँ, दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? लव वाला सही है ना? ये देखो, ये है कितने की? ये वाली चीज 150। चलिए ये देते, मेरा कहाँ सामान? ये सारी सेलेक्टिव हुई है। हाँ, ये वाली सारी। ये तो मार्केट बंद हो रही है इस वक्त, हम रेंटोलेन में, रेंटोलेन की ये दुपट्टे वाली गली कहलाती है और पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। तो अंगूठी लेने के लिए हमको जामा क्लॉथ भी बंद था, तो हम यहाँ पर आए, ये दुकानें खुली थी। तो ये भाई जो है क्लोज ही कर रहे हैं पूरी मार्केट, दुकान अपनी बंद ही कर रहे थे, फिर हमने इनको रोक लिया। ये केचर क्या प्राइस है? ये केचर 100 रुपए का। 100 रुपए का सही करें? बनाना केचर वो है ये। इस केचर के सही करें? एरम का काम हो गया, इसको मिल गई इसकी चीजें, वरना ये मुझे कल फिर परेशान करती दिन में। एक गोल्डन है, इतने सारे शेड है, मतलब सारे अच्छे। क्या क्या लो जी? फाइन, उर्वा के लिए लूं वरना वो मुझे मार डाले। इस वाले में और डिजाइन है इस तरह? एक डिजाइन है नहीं, एक दूसरा भी आता है ना? आता है। हम क्या प्राइस है इसके? ये 50 रुपए के। ये भी दे, और बताइए बहन। ये जो लाइट थी वो भी बंद हो गई तकरीबन। ये लाइट गई हुई है ना? अच्छा, लाइट गई हुई है। हाँ, लोड शेडिंग है ना? बस नाइट गई हुई है, धूप अंधेरा है, लेकिन ये नाइट विजन में चल रहा है, तो इसलिए आप दिख रहे हैं। अगर बहुत अंधेरा है तो इसमें मोबाइल की रोशनी में दिख रहा है। ये 100 रुपये एक मोबाइल की रोशनी यहाँ पर, जो इन्होंने अपना मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, और दूसरा ये हमारा। ये डालने हैं भाई, 200 रुपए का है, 100 रुपए ही लगा दूंगा। चलेंगे भाई, हो गया। तो जी, मुन्ने के लिए 2 सूट लिए हैं मैंने, एक ये ब्लैक वाला और ये एक ऑफ वाइट वाला। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। बाकी गाड़ी तो इसकी हमारी गाड़ी में पड़ी है, इनके 6 माले हम ऊपर नहीं लाए, फिर हमें कल उतारनी पड़ती वरना, तो इसलिए हमने सोचा कि इतना बड़ा डब्बा है तो हम गाड़ी में रख देते हैं, कल है ना वहीं से ले जाएंगे। और ये उर्वा का लिया है मैंने, गुल प्लाजा से ये लिए हैं, ये मुन्ने के भी है उर्वा के भी। उर्वा की ड्रेस है ये वाली, तो माशाल्लाह जी कल उर्वा यही पहनेगी, यही पहना के ले जाऊँगी उसको मैं दावत में। ये मैंने स्टॉलर लिए हैं, इसका जामा से लिए हैं ये मैंने, इसकी शायद मैं वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि मैं अकेले गई हुई थी, विकी बाहर थे, तो मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई। और ये तो आपने देखा ही होगा कि रेंटोलेन से हमने ये लिया खड़े खड़े फटाफट, मार्केट भी बंद हो रही थी, और ये विकी मेरे साथ आए थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वीडियो बन गई। ये मैंने उर्वा के लिए हेयरबिन लिया है,
ये दो केचर उर्वा के, ये दो केचर मेरे। और रंगशन में ये है कि हमारे बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं। बाकी ये चीज़ें तो आपने देखी होंगी, मैं वहाँ से ले रही थी रिंग। ये देखें मैंने इतनी सारी रिंग चढ़ा ली हैं अपने हाथ पर आप लोग को दिखाने के लिए कि मैंने ये रिंग ली हैं इतनी सारी। पता है ये सस्ती रिंगें हैं, 150 की दो। इसमें से जो ये वाली है ना, ये गोल्डन वाली, ये वाली सिर्फ है 100 की एक, बाकी ये सब जो हैं 150 की दो। सही है, चल जाती हैं, अच्छी लगती हैं, एक एक इंसान हाथ में पहन ले। ये मैंने कान के टॉप्स लिए, एक ये वाले लिए और दूसरे ये वाले लिए। ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है। ये छोटे छोटे होते हैं ना लॉन के सूट के ऊपर, अच्छे लगते हैं। और ये चेन ली मैंने लव वाली, बस यही शॉपिंग की है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज दूसरा दिन है, कल मैंने आपको अपनी ज्वेलरी दिखाई थी जो मैं लाई थी, सब चीज़ें दिखाई थी। और आज मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मैं क्या क्या पहनूंगी। वाली ब्रेसलेट, ये वाली ब्रेसलेट, और ये वाली चूड़ियाँ पहनूंगी मैं, अंगूठी जो मैं पहनूंगी, हाँ, और इस सोने की चूड़ियों के साथ पहनूंगी। रुवा दिखाओ, है ना, ये मेरी ड्रेस है। और अब मैं इसको इस्त्री करूंगी, इस तरह का है। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें लेस लगाई है मैंने, ये फ्लावर वाली लेस लगाई है, ये लेस से मैंने डिजाइन करी है इसकी। तो जी चले मैं अभी इनको इस्त्री करती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ और फिर हम आपको दिखाते हैं, फिर मुझे उर्वा को भी तैयार करना है। तो जी वक्त आ गया है, हम जा रहे हैं, उर्वा तैयार है। उर्वा का मूड बिल्कुल सही नहीं है, देखो रो रही है ये, क्योंकि इसको नींद आ रही है। और ये मेरा ड्रेस देखें आप, कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी चीज़ें देखें, मैंने पहन ली हैं। और बस अब हम जा रहे हैं, फिर आपको रास्ते का दिखाएंगे और मुन्ने का रूम हो सकता है तो वो भी दिखाएंगे आपको। मुन्ने का रूम है, हमारा मुन्ना आ रहा है, उसके पापा ने तैयार किया है और एक सरप्राइज देंगे। असल में अम्मी के घर पे लाइट नहीं है, लाइट गई हुई थी, इनका UPS नहीं है, बैटरी ख़राब हुई हुई है, तो लाइट का ज़रा प्रॉब्लम है। अभी हम सब तैयार हैं, अब हम जा रहे हैं। मेरे पास रायन बैठा हुआ है और भैया देखो रायन फोन बता दो, ये छोटी नंद का बेटा है। रायन जो है मेरी छोटी नंद का बेटा है, देख रहा है वो बात। चलो जी टाइम नहीं, उठा लिया। ये देखें हमारा मुन्ना हमारे साथ आ गया है माशाल्लाह से, इसको अभी हम घर लेकर जाएंगे। और वो खुश है मुन्ने को लेकर, हाँ अब्दुल आदी मुन्ने को लेकर खुश हो, अभी हमारे घर जाएगा ये, सही है। तो जी अब हम मुन्ने को लेकर घर जा रहे हैं, ठीक है, आपको सारी सेटिंग हमने बता दी। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज संडे का दिन है, टाइम हो रहा है 9। विकी जा रहे हैं नाश्ता लेने जा रहे हैं ना, क्या करना है नाश्ते में? हलवा पूरी लेते हैं, छोले तो नहीं, बच्चे भी उठ गए। और आज पाकिस्तान का मैच भी है। जाओ साइम, लाइट नहीं है हमारी। साइम और विकी जा रहे हैं हलवा पूरी लेने। विकी हलवा पूरी लेकर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी बोलो वालेकुम सलाम। अच्छा, लाइट हमारी अभी तक नहीं आई, हमारा राशन आ चुका है। ये दूध के डब्बे, ये इतने सारे गाजर क्यों लाए हैं? शायद गाजर का अचार बनाना होगा। और ये क्या, कीमा, गोश्त,
देखें क्या खाना है इनको, आज संडे है तो। ये रहा, मिल गया हलवा। हलवा अलग से लेते हैं विकी। नाश्ता वाश्ता करके फिर घर का काम करेंगे। कहाँ का है ये हलवा? ये पाकिस्तान चौक। सिर्फ हलवे के लिए पाकिस्तान चौक गए थे? पूरी आइस की अच्छी होती है। चले मैं चाय भर के आते हैं। चने और पूरी आइस की अच्छी होती है। हलवा उसका चला गया, अंसारी तो बंद हो गया। मशहूर था अंसारी हलवा। तो जी मैं चाय भर के आती हूँ। आज तो मुझे भी घर में ही रहना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद अगर हम कहीं गए मैच के बाद तो फिर वो मैं आपसे शेयर करूँगी। बाकी हम अभी ये हलवा पूड़ी खाते हैं। और ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। ये विकी गाजर छील रहे हैं, क्योंकि तो विकी को गाजर का अचार चाहिए था। ये गाजर लेकर आए थे इतने सारे, और मेरे पास तो इतना सारा काम है आज का। ये गाजर छीलेंगे फिर इसको काटेंगे, इसका मसाला मैं बना के दूँगी इनको। गैस नहीं है हमारी। और ये देखें, गोश्त का सालन मेरा बन रहा है सिलेंडर पर। सिलेंडर पर गोश्त बनाना बहुत मुश्किल है। तो जी गाजर कट रहे हैं इधर मेज देखते देखते। बहुत बुरा मूवमेंट यार, अफसोस हुआ बहुत ज्यादा यार। शाहिन के जाने से देखो कितना फर्क पड़ गया। इफ्तिकार ने ओवर कराया और सारे मतलब इनका प्रेशर ही खत्म हो गया सारा, मैच हाथ से चला गया। चलो कोई नहीं, चले कोई एक टीम को तो हारना ही था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं अचार बना रही हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, ऑयल ये सब पीस के मैंने इसमें डाल दिया ऑयल में। और ये गाजर अलग से कट कर लिए, और ये धनिया इधर रखा है। अब सिर्फ मुझे इसमें लाल मिर्च डालनी है, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालना है। और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे। तो ये सब चीजें डालने के बाद मैं इसमें गाजर डालूंगी। ये गाजर मैंने इसमें डाल दिए, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया। और सालन चावल के साथ या रोटी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। गाजर विकी को बहुत पसंद है। तो जी पाकिस्तान मैच हार गई है, विकी का मूड तो बहुत ख़राब है। साइम और विकी दोनों का मूड ख़राब है। अब मैं तो उनको कोई कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, ना कोई काम, ना कुछ, ना बाहर का कुछ। तो अब सही है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।